क्या आपका लगेज कभी रातों रात रेलवे के डब्बे से चोरी हुआ है? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज रेलवे यहाँ पर आपको 7 लाख रुपए पे कर सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल ऐसा ही कुछ विचित्र मामला सामने आया है। 9 साल पुराना एक टेफ्ट केस रिलीज किया गया फाइनली, जहां पर छत्तीसगढ़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने सैटरडे को रेलवे, इंडियन रेलवे को आदेश दिया कि भाई आपकी गलती थी एंड नाउ आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा 7.18 लाख करोड़ रुपीस इस चोरी के मामले के लिए। दरअसल पूरी बात ऐसी है कि 2014 में जून के महीने में रायपुर के एक रेजिडेंट भूपेंद्र जी अपनी वाइफ शालिनी जी के साथ जयपुर से निकले तो थे इन जयपुर चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस इन AC रिजर्व्ड कोच, बट उस दौरान रात के समय में उनका बैग रातों रात चोरी हो गया। तुरंत फिर इन्होंने कंप्लेन दर्ज की GRP एट नेक्स्ट स्टेशन इन कोटा और फिर लेटर FIR भी लॉन्च कर दी थी नागड़ा में। रायपुर डिविजनल रेल मैनेजर को FIR कॉपी सबमिट करने के बावजूद भी यहां पर कोई रिलीफ न मिलने के वजह से वो पहुंच गए सीधा कंज्यूमर कोर्ट। नाउ मजेदार बात यहां पर यह है कि रेलवे ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय इनफैक्ट खुद उल्टा आरोप लगाते हुए कहा कि बेसिकली ये जो डैमेज का केस है ये जरा फॉल्स है, बिकॉज पैसेंजर जिस तरह से लगेज कैरी कर रहा था वो कोच के गाइडलाइंस के अगेंस्ट थी। बट यहाँ पर फाइनली जो कोर्ट का डिसीजन आया है सबको हैरान कर देगा। यहाँ पर कोर्ट ने रेलवे को इसका जिम्मेदार ठहराया और साथ ही में अब 7.18 लाख रुपीस रेलवे अब इन पैसेंजर को पे करेगी, साथ ही में अब 5,000 रुपए भी फॉर मेंटल एगोनी इन्हें पे करना पड़ेगा और 2,000 रुपीज फॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन टू पैसेंजर। इतना भारी भरकम अमाउंट अब ये पैसेंजर को मिलने वाला है एज अ कंपनसेशन। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंट होता है तो तुरंत TTE गार्ड के पास जाइए, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए और साथ ही में FIR भी फाइल कर दीजिए। अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर लीगल बैटल फाइट कीजिए फॉर कंपनसेशन अगर आप सही हो तो, और होपफुली यहाँ पर भले ही देर लगेगी लेकिन रेलवे के लैक ऑफ एक्शन के चलते यहाँ पर रेलवे को एक भारी भरकम जुर्माना आपको पे करना पड़ सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है अपनी डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।